अगली वड्डी खबर दा रुख कर लैने आ। मान सरकार दे तीन मंत्रियों ते हुण गिरफ्तारी दी तलवार लटकी है। जी हाँ, तरन तारण दी सैशन कोर्ट दे वल्लों जमानत अर्जी रद्द कर दित्ती गई है। दस दिए कि मंत्री लालजीत भुल्लर, हरभजन ईटीओ ते मीत हेयर दियां हुण मुश्किलां वधियां ने। गुरप्रीत इसे दस दिए कि हेठली अदालत दे वल्लों गैर जमानती वारंट के खिलाफ जिथे की पटीशन पाई गई सी, तां हुण इह पटीशन रद्द कर दित्ती गई है। एक धरने दे नाल जुड़े मामले दे विच उधर सुनवाई दे दौरान गैर हाजिर रहण ते वारंट जारी हुए सन, ते हुण कुल मिला के मान सरकार दे मंत्रियां दी मुश्किल जो है वह वधदी हुई नजर आ रही है। जी हाँ, लगातार थोड़ा दस दिए कि जो आम आदमी पार्टी के आगू विरोधी धिर सन उदों उन्होंने वालों की यह धरना जो है इतने लगाया गया सगा, जिस तो बाद उन्होंने खिलाफ मामला दर्ज किया गया सगा, जिस दे विच जिला अदालत ने पहला उन्होंने खिलाफ वारंट जारी किए सन, तो उन्होंने हुण सैशन कोर्ट का रद्द रुख किया सगा, जिस तो बाद हुण सैशन कोर्ट ने उन्हां दी जमानत अर्जी जो है इन्हां तीन मंत्रियों की जमानत अर्जी रद्द कर दी है, जिन्हां दे विच लालजीत भुल्लर जो कि उत्थों दे ही रहण वाले ने, हरभजन ईटीओ ते मीत हेयर, इन्हां तिन्हां नूं जो है हुण पेश होना पवेगा अदालत दे विच। उसके बाद जो है अदालत जो भी फैसला सुनावेगी वो देखना होगा, पर किते ना किते सवाल जरूर ने, क्योंकि धरने जो ने अक्सर ही आगुआं वालों लगाए जाते हैं, तो उस दे विच पुलिस वालों जो है मामले दर्ज किए जाते हैं, तो ये भी उसे दे नाल जुड़िया होया ये मामला है, जिस दे विच ना तीन मंत्रियों की मुश्किल वधी है। इस बारे होर ज्यादा जानकारी देने लिए साडे सहयोगी पवन साडे नाल जुड़ गए ने। पवन, इन्हां तिना मंत्रियों की जमानत अर्जी जो है वह रद्द हो गई है, कदों तक जो है इन्हां नूं पेशी के हुक्म दिए गए हैं, की कुछ जानकारी है तुहाडे कोल? अगली तरीक से जज साहब ने पेश अदालत हेठली अदालत में पेश होने का हुक्म दिता है। उन्होंने कहा कि जो जिस अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं उसे जाके सरेंडर कर, और मानयोग जो जज ने वो देखेंगे कि उन्होंने बेल देनी है कि नहीं। हुण आउंदे एक दो दिन के देखते हैं कि अदालत में सरेंडर कर दे कि नहीं, इन्हों सरेंडर देखना देखा जाए तो सरेंडर करना पेगा। और उसे जिस जज ने इन्होंने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं वह जज इन्हों की हूँ इन्हों फैसला लेंगे ने, यह जज साहब से निर्भर करता है। जी जी पवन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी दे लई। सो तिना मंत्रियों जो है अदालत दे विच सरेंडर करना पवेगा, उस तो बाद जो है अदालत वालों इन्हां दी जमानत अर्जी के उत्ते या जो भी इन्हां वालों दलीलां इन्हां दे वकीलां वालों दित्तियां जांदियां ने उसके उत्ते की कुछ फैसला लिया जाता है वो देखने वाली गल है।